हेलो दोस्तों, गायत्री मधुर रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाव भाजी, बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में। आप घर पर रखे इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे झटपट बना सकते हैं बिना किसी स्पेशल मसाले के। ये खाने में तो टेस्टी होगी ही, साथ ही हेल्दी भी। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाते हैं पाव भाजी। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में दो आलू इस तरह से काट कर ले लेंगे, थोड़ी सी गोभी, एक कटी हुई गाजर और आधा बीटरूट डालेंगे। बीटरूट से पाव भाजी का कलर अच्छा आता है और इससे फूड कलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। साथ ही हम डालेंगे आधा कप फ्रोज़न मटर, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। अब हम एक हरी मिर्च और एक छोटी चम्मच नमक मिलाएंगे। अब इसमें 1 से 1.5 कप पानी मिलाकर 3 सीटी आने तक कुक करेंगे। सब्जियों में ज़्यादा पानी नहीं डालें क्योंकि हमें पानी को फेंकना नहीं है, पूरे पानी को यूज़ करना है। बाद में हम पकी हुई सब्जियों को इसी पानी में मैश करेंगे। यहाँ गैस का फ्लेम मीडियम रखें। देखिए 3 सीटी लग चुकी है, यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और कुकर का प्रेशर निकलने दें। प्रेशर कुकर को केयरफुली खोलें। देखिए सब्जी अच्छे से कुक हो गई है। इन्हें पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। कुकर में सब्जियों को मैश करने से भाजी बनाने का प्रोसेस इजी हो जाता है। सब्जियों को मैश करने से इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। वो भी बिना फूड कलर डाले। भाजी को गर्म में ही मैश कर लें क्योंकि ठंडे होने के बाद भाजी अच्छे से मैश नहीं होती। सब्जियों को अच्छे से मैश कर लें जिससे सब्जियों के टुकड़े दिखाई ना दें। ये देखिए अच्छे से मैश हो गई हैं सारी सब्जियाँ। अब चलते हैं भाजी बनाने के लिए। मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। यहाँ हम 2 से 3 चम्मच बटर डालेंगे और साथ ही 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, इससे बटर जलती नहीं है। अब इसमें बारीक कटी हुई 1 प्याज डालेंगे और गुलाबी होने तक अच्छे से भुनेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। यहाँ प्याज पक गई हैं। इस समय हम 2 मीडियम साइज के बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और शिमला मिर्च को प्याज के साथ अच्छे से पकाएंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर पका लेंगे। इसे सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। दो से तीन मिनट पकने के बाद 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए 1 चम्मच नमक डाल दें।
इन्हें 4 से 5 मिनट ढक कर पका लेंगे, जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। यहाँ टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और 1 छोटी चम्मच लहसुन की चटनी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ मुझे मसाले थोड़े सूखे लग रहे हैं, इसके लिए 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। और अब भाजी को ढककर पका लेंगे। मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हमने जो भाजी मैस करके रखा है, उसे भुने हुए मसाले में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर में जो थोड़ी सी भाजी बची हुई है, उसमें पानी डालकर मसालों में मिला लेंगे। अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। दो मिनट पकने के बाद भाजी की थिकनेस के अनुसार पानी ऐड करेंगे। हमने 1 कप गर्म पानी ऐड किया है। याद रखें, भाजी में हमेशा गर्म पानी ही ऐड करें, इससे भाजी का कलर अच्छा रहता है। पानी डाल के 2 से 3 मिनट तक इन्हें अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें आधी नींबू का रस डालेंगे, इससे भाजी में अच्छा खटास आता है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 बटर का क्यूब डाल दें। पाव भाजी में बटर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, जिससे भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप अपने अनुसार बटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भाजी तैयार हो गई है, गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब गैस पर तवा चढ़ाएंगे। यहाँ गैस का फ्लेम लो रखें, जिससे मसाले जलेंगे नहीं। तवे पर 1 क्यूब बटर डालें, उसमें थोड़े से पाव भाजी मसाला और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। हमने जो भाजी तैयार किया है, उसमें से थोड़ी सी भाजी डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पाव को बीच से काट कर इस तरह तवे पर रख कर सेक लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम पाव को इसी तरह से अच्छे से सेक लेंगे। हमारा पाव
बनकर तैयार है। अब इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हमारी भाजी तैयार हुई है। भाजी की थिकनेस एकदम सही बनकर तैयार हुई है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती गार्निश करेंगे और 1 क्यूब बटर डालें। अगर आप चाहें तो बटर स्किप कर सकते हैं, बट बटर से पाव भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो पाव हमने बनाकर तैयार किया है उसे भी प्लेट में सर्व करें। ये देखिए कितनी टेस्टी पाव भाजी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो एक बार ज़रूर आप भी इसे ट्राई करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।